सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये नंबर वन प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स विद मोर देन 70% मार्केट शेयर, और ये स्टॉक मल्टीप्लाई किया था 8x फ्रॉम लो ऑफ 200 इन 2000, तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए क्योंकि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी अपॉर्चुनिटीज अभी भी काफ़ी हैं। लास्ट 12 मंथ्स में जो एडिशन हुए थे डीपी अकाउंट्स को वो मॉडरेट हो गया था, वेर एज एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस हाई था बेस्ड ऑन द रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड, इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया था और अभी एक्सपेक्टेशंस भी नॉर्मलाइज हो गए हैं। इंडिया में इन्वेस्टर यूनिवर्स अभी भी छोटा ही है, अबाउट 7% ऑफ द पॉपुलेशन, सो अपसाइड काफ़ी है यहाँ पे, और इंश्योरेंस डिमेटरलाइजेशन एक अच्छा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है जो प्ले आउट हो सकता है FY24 में। अभी फोकस इंक्रीज किया है इन्होंने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पर, और ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स रेवेन्यू कैगर एक्सपेक्टेड है करीब 15% का, EPS एक्सपेक्टेशन फॉर FY25 करीब 37 का है एंड 140 रुपीज इनके पर शेयर कैश है बुक्स में, तो इससे मेरा जो मीडियम टर्म टारगेट बनता है 1250 का। ओके, तो ये है आपके लिए CDSL। अरे बड़े दिनों बाद CDSL किसी ने रिकमेंड किया है, भूल ही गया, बस ऑफ रडार हो गया था। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए अमृतसर की तरफ से आती दिख रही है। 1010 खरीदने का लेवल है, 1250 प्रॉफिट बुकिंग करें।